उन्होंने घर जो है वो जगह चेंज की, सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में जब वो रहने लगे तब उनके साथ एक उनका मित्र आके, पति का मित्र आके रहने लग गया और उससे इस तरीके के अनैतिक कृत्य और वेश्यावृत्ति कराने के संबंध में इसको दबाव डालने लगे इसके ऊपर। सिविल लाइन्स थाना अंतर्गत रहने वाली पीड़िता ने अपने पति और उसके दोस्त पर लगाया अनैतिक कार्य कराने का आरोप। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 376D में मुकदमा दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश। सिविल लाइन्स थाना अंतर्गत रहने वाली पीड़िता ने अपने पति और उसके दोस्त के खिलाफ सिविल लाइन्स थाने में अनैतिक कार्य कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। सीओ नॉर्थ छवि शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 376D में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि पीड़िता की शादी एक वर्ष पूर्व ही हुई है और पिछले 3-4 महीने से पति और उसका दोस्त उस पर देह व्यापार करने का दबाव बना रहे हैं। इससे पूर्व भी घरेलू हिंसा का एक मुकदमा पीड़िता द्वारा सिविल लाइन्स थाने में दर्ज कराया गया था। दोनों ही मामलों में जांच जारी है। जो पीड़िता है इसने अपने पति और उसके एक अन्य साथी के खिलाफ दर्ज कराया 376D का। घटनाक्रम क्या बताया मैम पीड़िता? पीड़िता की पिछले वर्ष शादी हुई थी और उसकी एक पुत्री भी है छोटी। ये बता रही है कि अब इन्होंने घर जो है वो जगह चेंज की, सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में जब वो रहने लगे तब उनके साथ एक उनका मित्र आके, पति का मित्र आके रहने लग गया और उससे इस तरीके के अनैतिक कृत्य और वेश्यावृत्ति कराने के संबंध में इसको दबाव डालने लगे इसके ऊपर जी। कब से ये घटना हो रही है पीड़िता के साथ? ये पीड़िता ने इससे पहले एक घरेलू हिंसा का भी मुकदमा दर्ज कराया है, तो ये क्रम जो है पिछले 3-4 महीने से चल रहा है। शादी आर्य समाज में जी, शादी इन्होंने आर्य समाज में किया 376D में। जांच जी।